साथ में मैंने 2 चम्मच तेल लिया हुआ है और पानी आवश्यकता के अनुसार आप ले सकते हैं, जितना आपको सॉफ्ट या फिर टाइट डो चाहिए वो हिसाब से। अब मैं इसमें थोड़ा तेल मिला रही हूँ, ये लगभग 2 कटोरी भर आटा है, इसमें थोड़ा तेल डालते हैं और थोड़ा बचा के रखते हैं। अब इसे हम गूंदना चालू करते हैं। कुछ कुछ लोग इसमें नमक भी डालते हैं स्वाद के लिए, लेकिन मैं इसे स्किप करती हूँ। अब इसमें पानी मिलाते जाइए और बर्तन को घुमाते जाइए, बहुत सिंपल टेक्निक है, इसे घुमाते जाइए सिर्फ बर्तन को, और पानी थोड़ा 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 मिक्स करते जाइए, एकदम ज्यादा नहीं, ताकि अच्छे से आटा भून सके। अभी आप देख सकते हैं कि आटे का रंग जो है वो चेंज होने लगा है, बहुत जल्दी गूंद जाता है इस तरीके से, और चपाती भी बहुत सॉफ्ट होती है। पानी मिलाते जाइए थोड़ा थोड़ा करके, और पंखा चालू ना हो, मतलब आपके आप जहाँ पे आटा गूंद रहे हो वहाँ पे पंखा ना हो, आपके किचन में अगर फैन है उसे बंद रखिए, क्योंकि उस वजह से फिर आटा सख्त हो जाता है और चपाती भी सख्त होती है रबर की जैसे। पानी ज्यादा नहीं डालना है, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आटा गूंद के हो जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। अभी हमारा डो तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि ये ज्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सूखा आटा मिला सकते हैं। अब इसे दोनों हाथों से अच्छे से गूंद लीजिए। आपको गूंदते गूंदते इसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ तेल है डालना है, इससे आपका जो आटा है वो 2 दिन तक फ्रिज में अच्छे से रह सकता है, काला नहीं पड़ता है, और चपाती भी आपकी बहुत अच्छे से फूल जाती है। देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार है। आपकी उंगली अच्छे से इसमें चली जानी चाहिए, एकदम सख्त भी नहीं एकदम नरम भी नहीं, इससे आप थोड़ा रेस्ट होने के लिए रख दीजिए। अब मैं आपको चपाती बनाना सिखाती हूँ।